हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 28 के बारे में। अगर हम भाग 28 के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि भाग 27 तक हम लोगों का पहले ही कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इस श्रृंखला का आनंद लीजिए और अपने नोट्स को बनाते रहिए। इसमें के जी श्रृंखला के जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताए जाते हैं, जितने भी व्याख्या किए जाते हैं, वो आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइए और जिससे आप लोगों का नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, उस प्रकार का नोट्स बनाइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 28 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की ही बात करते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ये आपका विक्रमी संवत है। ठीक है, विक्रमी संवत, और यह कब का है? आप देखेंगे कि लगभग में 56 ईसा पूर्व का ये है। 56 ईसा पूर्व का ये आपका विक्रमी संवत है, क्योंकि अगर वर्तमान समय में हम विक्रमी संवत देखें, ठीक है, वर्तमान समय में तो जो चल रहा है, वर्तमान समय का जो साल चल रहा है, यह आपका 2023 चल रहा है। ठीक है, 2023 चला है, और यही विक्रमी संवत में, ठीक है, यही आपका विक्रमी संवत में आपका कितना हो जाएगा, 2079। ठीक है, 2079 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 56 ईसा पूर्व है, यानी कि 1 ईस्वी में से 6, यानी कि 56 और 1 ईस्वी के बीच में जो 56 साल है उसको हम ले आकर कहाँ जोड़ देंगे, 2023 में जोड़ देंगे, तो आपका विक्रमी संवत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और शक संवत की बात करें तो अगर शक संवत आपका 78 ईस्वी का है, कनिष्क के शासनकाल में, तो 78 इसमें से आप लोग घटा देंगे तो आपका शक संवत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब भारत में जो वर्तमान कैलेंडर है उसका आप देख लीजिए, वर्तमान कैलेंडर जो हम लोग उसको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बोलते हैं, वो आपका कौन सा है, ग्रेगेरियन कैलेंडर है, ग्रेगेरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगेरियन कैलेंडर है। ठीक है, ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। ग्रेगेरियन कैलेंडर में इसमें आपके 12 महीने होते हैं, ठीक है, 365 दिन होते हैं, 12 माह व 365 दिन, ठीक है, इस तरह से, और 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है विक्रमी संवत है, वह 56 ईसा पूर्व का है, लगभग में 56-57 ईसा पूर्व आप मान के चलिए, 56-57। ठीक है, तो प्राचीन काल में अब हम बताते हैं, प्राचीन काल में जो है आपका 1-2 साल इधर उधर हो जाता है, ठीक है, वो आपका मान्य हो जाएगा, लेकिन आधुनिक भारत और मध्यकाल में वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और जो विक्रमी संवत आपका 56-57 ईसा पूर्व का है, और ये विक्रमादित्य नामक शासक ने वहाँ पर चलाया था, और वहीं से आपका विक्रमी संवत माना जाता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि जो जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो प्रस्तावना में लिखा गया है मिति मार्ग शीर्ष शुल्क विक्रमी संवत सन 2006। ठीक है, जबकि हमारा संविधान लागू हो रहा है आपका 1950 में, और विक्रमी संवत वहाँ पर चल रहा है, कौन सा, 2006 का चल रहा है, तो अगर उसमें आप 56 जोड़ेंगे तभी तो आपका 2006 आएगा। और जब ईसा पूर्व की हम बात करेंगे तो 56 में आप उसमें, ठीक है, एक बार थोड़ा सा हाँ जोड़ना ही पड़ेगा, तो 56 अगर ईसा पूर्व की बात करें तो 56 जो हम लोग पीछे जाएंगे ना आप एक तरह से वहाँ पर ईसा पूर्व में, तो जब 56 ईसा पूर्व गए, तो जब 56 ईसा पूर्व में गए तब जाकर हमको विक्रमी संवत वहाँ पर मिलता है। ठीक है, अगर यही 56 ईस्वी होता है तो मान के चलिए कि हम लोगों का जो इतिहास है जो 2023 है उसमें 56 ईस्वी घटाना पड़ता है ना, फिर 56 साल घटाने पड़ते अगर शक संवत, अगर शक, इसीलिए शक संवत के लिए हम लोगों को 78 साल घटाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके विक्रमी संवत भारतीय कैलेंडर हो गए, और वर्तमान समय का जो कैलेंडर चल रहा है ग्रेगेरियन कैलेंडर जो है वो हो गया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि जो भारत में जो 12 महीने होते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर के, ठीक है, जो हिंदी में नाम होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये आप लोगों के अंग्रेजी वाले नाम है, तो ये कौन से नाम है आप लोग इसको
याद रख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम, भारतीय, आप लोगों के इसमें नाम भी मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। अगर हमने उल्टा बोला हो ठीक है, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अगर हमने उल्टा बोला तो, लगभग में सही रहता है ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के, कैलेंडर का माह, या हम इसको माह ही लिख रहे हैं, सही रहेगा, इस तरह से अच्छा लगता है ठीक है, माह ठीक। तो शुरुआत करते हैं, 12 महीने होते हैं, कितने होते हैं 12, कुल कितने होते हैं 12 महीने होते हैं। जो पहला महीना है वो आपका चैत्र का है ठीक है, यानी कि आपका आंसर ही मिल गया, चैत्र हो गया, फिर वैसाख हो गया, वैसाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ हो गया ठीक है, फिर आषाढ़, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का ठीक है, फिर श्रावण जिसको सावन बोला जाता है, फिर भाद्रपद, भाद्रपद ठीक, फिर अश्विन, अश्विन, फिर कार्तिक, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष ठीक है, फिर उसके बाद पौष, फिर माघ, फिर उसके बाद फाल्गुन ठीक। ये आप लोगों के जो हिंदू कैलेंडर है उसके फाल्गुन ठीक, हिंदू कैलेंडर के द्वारा नाम ठीक। ये आप लोग 12 नाम याद रख लीजिए इस तरह से, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, बीच का नहीं पूछेगा, आप लोगों को सिर्फ पहला और आखिरी नाम याद होने चाहिए। अगर क्रम पूछता है, क्रम के लिए आप लोगों को 12 महीने याद होने चाहिए ठीक है। वैसे क्रम ज़्यादातर वनडे एग्जाम्स में तो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये PCS लेवल का प्रश्न हो जाएगा कि क्रम पूछ दे, चार ऑप्शन देकर क्रम पूछ दे महीने का, हिंदू महीने का ठीक है, तो वो आपका हाई लेवल का हो जाएगा ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इतने सारे याद चीज़ें याद रखिए, और आप लोगों को यहाँ पर आप पर विक्रमी संवत, शक संवत और ग्रेगरियन कैलेंडर के बारे में पता चला ठीक है। तो आप लोग हिंदी महीने का नाम भी याद रख लिए, पहला और आखिरी नाम जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में ठीक है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं मनाता है ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टफ टाइप का प्रश्न है ये, आपका वनडे में पूछा जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है ठीक है, वनडे में पूछा जा सकता है, और हाई लेवल के प्रश्न, हाई लेवल के एग्जाम्स में भी ये पूछे जा सकते हैं ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं उसमें, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और केरल है ठीक है। तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में ठीक है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में, सरस्वती पूजा के रूप में मनाने वाले राज्य जो है, रूप में मनाने वाले राज्य, मनाने वाले राज्य ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं, पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, किनारे से, पश्चिमी घाट से कर्नाटक ठीक है, पश्चिमी घाट से कर्नाटक, फिर केरल ठीक है, फिर आ जाते हैं पूर्वी घाट में तमिलनाडु, तमिलनाडु, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश ठीक है, आंध्र प्रदेश, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं तेलंगाना, तेलंगाना तो अभी राज्य बना है, नया है ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि तेलंगाना कब बना है ठीक है ठीक। तो ये राज्य जो हैं आपके, जो तमिल नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं ठीक, इसमें थोड़ा सा फैक्ट आप लिख लीजिए ठीक है, कौन कौन से राज्य कब मनाते हैं, केरल व तमिलनाडु कौन से राज्य हैं, केरल व तमिलनाडु, तमिलनाडु ये क्या करते हैं, नवरात्रि के नौवें दिन ठीक है, नवरात्रि के नौवें दिन, नौवें दिन सरस्वती पूजा मनाते हैं ठीक है, सरस्वती पूजा मनाते हैं ठीक, इस तरह से। और दूसरी बात जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण, कि कर्नाटक,
कर्नाटक, फिर आप देखेंगे कि तेलंगाना, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये नवरात्रि के 10वें दिन, ठीक है, ये आप लोग फैक्ट नोट डाउन कर लीजिए, अगर कभी पूछ दे नवरात्रि के 10वें दिन, ठीक है, कब, 10वें दिन, 10वें दिन सरस्वती पूजा मनाते हैं, ठीक है, सरस्वती पूजा मनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में जो है वो आपका नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में नहीं मनाता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में देखेंगे कि गणेश पर्व जो है, गणेशोत्सव मनाया जाता है, वो सबसे बहुत ही वहाँ पर विशाल पूजा के रूप में मनाया जाता है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस, जिसकी शुरुआत बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव मनाया जाता है उसकी शुरुआत किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था गणेश उत्सव को, जिसको आज बड़े पैमाने पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है, वहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि वांगला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो वांगला उत्सव के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए वांगला उत्सव, यह मनाया जाता है मेघालय के गारो जनजाति के लोगों के द्वारा, ठीक है, मेघालय, यहाँ पर लिख लीजिए मेघालय में निवासित गारो जनजाति, गारो जनजाति के द्वारा, गारो जनजाति के द्वारा नवंबर माह में, ठीक है, नवंबर माह में फसल कटाई के दौरान, फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, दौरान मनाया जाता है, ठीक है, ठीक। ये पहला हो गया कि कब कहाँ मनाया जाता है, मेघालय मनाया जाता है, किस जनजाति है, गारो जनजाति कब मनाया जाता है, नवंबर माह मनाया जाता है, कब, किस लिए मनाया जाता है, फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। ये आप चार फैक्ट याद कर लीजिए, फिर इसके बाद देखिए जो गारो जनजाति हैं वो आप देखेंगे कि यह जो उत्सव मनाया जाता है गारो जनजाति के द्वारा, यह सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है, सूर्य देवता के सम्मान में, ठीक है, सूर्य देवता के तक सम्मान में, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गारो जनजाति सूर्य को फसल आदि देवता के रूप में मानते हैं, ठीक है, सूर्य को फसल के अधिदेवता के रूप में मानते हैं, फसल के अधिदेवता के रूप में, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लिए, अधिदेवता के रूप में मानते हैं, ठीक। ये सारे चीज फैक्ट आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों को बहुत ही काम आएगा, ठीक है, और प्रत्येक एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछ ही लिए जाएंगे, ठीक है। कि वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है, किसी कौन सी जनजाति है, गारो जनजाति है, कब मनाया जाता है, नवंबर महीने मनाया जाता है, और किसके दौरान मनाया जाता है, फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, ठीक है, और किसके सम्मान में मनाया जाता है, सूर्य देवता के सम्मान मनाया जाता है, और क्यों, क्योंकि गारो जनजाति जो सूर्य देवता को फसल के अधिदेवता के रूप में मानते हैं, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसीलिए यहाँ पर इस जीएस श्रृंखला को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि आपको प्रत्येक एग्जाम में यह मदद करे, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल से जुड़ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलता रहे, और जो लोग पुराने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो
जो थोड़ा सा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। किस कोई भी अगर कोई जोड़ें आप उनको, किसी को भी जोड़ें, ठीक है, तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान भी ज्ञान है तो वो कहीं भी कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, वो ख़राब नहीं होता किसी के लिए भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है किसका, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कौन सा होता है, इसमें से सौर ऊर्जा है, बायोमास है, कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर हम पारिस्थितिकी, तो इस तरह से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का विकास आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना था, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, जल है, फिर उसमें जो जंगल है, जो ज़मीन है, वो सारी चीज़ें आती हैं। और जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो ऊर्जा का है, वहाँ पर जो ऊर्जा है ऊपर से और नीचे से ऊपर की तरह घटती है, अरे बढ़ती है, आप देखेंगे इस तरह से, सॉरी। और उसमें ऊर्जा का प्रवाह आप एक बार चेक करिएगा कहाँ पर है, अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आप लोग इसमें ये जानिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार की चीज़ें, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य आ गए, घास फूस, फिर जंगल, झाड़ी, नदी, तालाब, ये सारी चीज़ें पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं, ठीक है। तो और उन सभी चीज़ों को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उन सभी चीज़ों के लिए, वो क्या होता है, वो आपका सौर ऊर्जा होता है। सूर्य के प्रकाश में ही आप देखेंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के जितने भी जैविक घटक हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही आप देखेंगे कि वो विकास कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही आप देखेंगे कि वो पेड़ पौधे वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, फिर सूर्य के प्रकाश में आप देखेंगे कि फसलों को तैयार किया जाता है, सूर्य के प्रकाश से जो मनुष्य का जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, क्रियाएँ हैं, वो भी संपन्न हो सकती पाती हैं, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जो महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रयोग होता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है। और कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन तो हर एक जीवित प्राणी में पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है, ठीक है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो माना जाता है वो कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, ठीक है। और खाने पीने की चीज़ों में अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आपका चावल में और आलू में पाया जाता है, ठीक है। आलू और चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर आपको सोना है तो खूब आलू खा लीजिए, आप लोगों को नींद आ जाएगी, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी मिलेगी, आप लोगों को ऊर्जा मिलेगा, और किसी भी शरीर के लिए ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा अगर है तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर नींद आने ही लगेगी, ठीक है। क्योंकि आप जब धूप में जाएंगे, धूप में जानते हैं तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपका जो बॉडी लेवल है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो उस धूप को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो वहाँ पर जब वो ऑब्जर्व करता है तो वो आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा की खपत जो होती है वो ज़्यादा होती है। जब ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है वहाँ पर, तो आप देखेंगे कि आप धूप से आते ही तुरंत गर्म, वहाँ पर अगर आप लोगों को ठंडा थोड़ा हवा मिल जाए तो आप तुरंत सो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि सौर ऊर्जा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को हमेशा याद रखने चाहिए कि ये सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों से एग्ज़ाम में फ्लुएंटली पूछ लिए जाएंगे। और ये एक फैक्चुअल प्रश्न है कि कौन सी नदी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। अगर हम मैप बना दें थोड़ा सा, ठीक है, हम लोग इस तरह से ले लीजिए और हम इसको इस तरह से, यही आपका कौन सा है, 23.5 डिग्री है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और उत्तरी अक्षांश आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री कौन सा थी, मकर रेखा, उत्तरी अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है, और भारत के दो भागों में बांटती है, ठीक, कर्क रेखा हो गई। और यही पूछता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी आप यहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश राज्य से बीच से निकलती है, और ये बहती हुई इधर चली जाती है, यमुना की सहायक नदी है,
नर्मदा नदी ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ पर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ पर आप लोग लोकेशन बताइए, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यहाँ से बहती हुई, यहाँ से आती है खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है नर्मदा नदी, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका प्रवाह क्षेत्र है, उसके बाद गुजरात में है, गुजरात में ही इसी पर, इसी नदी पर, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। लूनी नदी आपकी निकलती है अजमेर के दक्षिण की अरावली पहाड़ी से, ठीक है, अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ी है, वहाँ से लूनी नदी निकलती है और जहाँ से निकलती है वहाँ पर इसका पानी मीठा होता है, ठीक है। और यह कच्छ केरन में विलीन होती है, कच्छ केरन में विलीन होते समय लूनी नदी की जो पानी है वह खारा हो जाता है, लवड़ी नदी हो जाती है और इसको लवड़ी नदी भी बोला जाता है, ठीक है, लूनी नदी को, ठीक है। तो लूनी नदी से सबसे खास विशेषता यही है कि कभी प्रश्न पूछता है कि किस नदी का जो प्रारंभिक जल है वो मीठा होता है, जो अंतिम स्रोत है उसका अंतिम जल है वो खारा होता है, तो वो लूनी नदी है। और माही नदी जो है आपकी, ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, अरे वहाँ पर धार जिला है मध्य प्रदेश में, धार जिला के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और वहाँ से निकल कर गुजरात में बहती है, राजस्थान में बहती है और मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और अरब सागर में जाकर ये गिरती है, ठीक है, माही नदी, ठीक है। अगर माही नदी सही से नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम याद रख लीजिए, माही, उनको माही माही बोला जाता है ना, तो आप समझ लीजिए कर्क रेखा को महेंद्र सिंह धोनी जो है दो बार काटते हैं, यानी कि कर्क रेखा के पार दो बार चौका मारते हैं, दो बार छक्का मारते हैं महेंद्र सिंह धोनी। हेलीकॉप्टर शॉट याद रख लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी जो है हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं कर्क रेखा से को दो बार वो क्रॉस करता है, ठीक है, इस प्रकार से मारते हैं, ठीक है। तो माही नदी जो है आपका कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है, सिर्फ हम माही नदी, बाकी चीज़ों को तो हम बता ही दिए, ठीक है। तो माही नदी के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, माही नदी, ठीक है, यह कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। यह कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप, धार जिले के समीप, ठीक, समीप विंध्याचल श्रेणी से, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, पर्वत श्रेणी से, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप लोग नोट डाउन करते हैं और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से पूरा करिए, ठीक है। नहीं तो नोट्स बनाने का क्या मतलब है कि जब हम किताबें लिख लें उसमें, ठीक है, तो पूरी किताब लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए, आप लोगों का नोट्स जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप इतिहास का नोट्स बना रहे हैं तो वो 100 से 150 पेज के बीच में होना चाहिए। अगर ज्योग्राफी का नोट्स बना रहे हैं तो वो 75 से 100 के बीच में आप लोगों का नोट्स होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस का तो 50 पेज से ज़्यादा नोट्स भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरा अनुच्छेद कोई पढ़ता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें लिख लीजिए, बस वही हो गया, जो जो हमेशा एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोग नोट्स बनाने का सबसे मतलब ये है कि आप शॉर्ट फॉर्म में जो चीज़ें 10 पेज की उसको एक पेज में लेकर आइए और वो आपको एक लाइन पढ़िए तो उसमें 10 लाइन समझ में आना चाहिए, वो होता है नोट्स का मतलब, ठीक है। नहीं तो आप किताब लिख रहे हैं नोट्स में तो उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है किताब लिखने का, उससे अच्छा कि आप किताब ही पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है, क्या उत्पादक, कॉफ़ी, तो चलिए हम देखते हैं विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश, विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश, ठीक है, कॉफ़ी फी उत्पादक देश कौन कौन से हैं, सबसे पहले पर आता है ब्राज़ील, ठीक है, हम घटते क्रम में जाएंगे, ठीक है, घटते क्रम कहाँ पर सबसे ज़्यादा, फिर उसके कम ब्राज़ील, ठीक, ब्राज़ील, फिर इसके बाद देखिए ब्राज़ील के बाद आता है आपका वियतनाम, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, फिर इसके बाद देखिए वियतनाम के बाद आता है कोलंबिया, कोलंबिया,
सिर्फ आप लोगों को ये करना है कि आप ये बताइए कि ये चारों ये जो जो ब्राज़ील के रहे जो कॉफ़ी उत्पादक देश हैं वो किस किस महाद्वीप में हैं। ठीक है, इंडोनेशिया, इसके बाद इंडोनेशिया। ठीक, ये आपके विश्व के प्रमुख सबसे उत्पादक जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक देश हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है वो आप लोग बताइए। ठीक है, सब भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में पाई जाती है, जो सबसे भारत में सर्वाधिक उत्पादक जो कॉफ़ी का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कौन से कॉफ़ी उत्पादक है। ये आपका पिछले साल PCS में प्रश्न पूछा था, इसी तरह से चार ऑप्शन देकर कौन से क्रम पूछ दिया था। ठीक है, और उसमें पूछा था कि कौन कौन से हैं जो इसमें से कॉफ़ी उत्पादक देश हैं। ठीक है, कहवा उत्पादक उसमें पूछा था, कहवा। ठीक है, तो कहवा और कॉफ़ी में दोनों में ब्राज़ील जो है पहले नंबर पर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है। ठीक है, लेबराडोर, फॉकलैंड, ब्राज़ील, कनारी जलधारा। अब देखेंगे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आप लोग एक गर्म और ठंडी जलधारा का नाम याद कर लीजिए। ध्रुव यहाँ पर भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोला जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जलधारा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली जलधारा, जाने वाली जलधारा सदैव गर्म होती है। ठीक है, सदैव गर्म होती है। ठीक, इस तरह से फिर इसके बाद एक नोट से लिख लीजिए, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा की भूमध्य रेखा की तरफ आने वाली, ठीक है, आने वाली जलधारा सदैव ठंडी होगी, सदैव ठंडी होती है। ठीक, इस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ध्रुव पाए जाते हैं वो पृथ्वी के 90 डिग्री पर पाए जाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर पाए जाते हैं। आप नीचे जाइए तभी भी वहाँ पर जो चीज़ें हैं, नीचे जाने पर भी भूमध्य रेखा से नीचे जाने पर, भूमध्य रेखा से आगे बढ़ने पर वहाँ पर तापमान घटता है, और ऊपर जाने पर भी वहाँ पर तापमान घटता है। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें आप इस तरह से देखने, और जो ध्रुव से आती हैं, ध्रुवों से 90 डिग्री पर, ध्रुवों पर जो है बर्फ़ जमी हुई है, और वहाँ से जो हवा आती है वहाँ पर वो ठंडी हवा आती है, जिसमें लेबराडोर, फॉकलैंड और कनारी जो जलधारा है आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, ब्राज़ील की जलधारा जो है आप देखेंगे कि ब्राज़ील तट से अटलांटिक महासागर में यह जलधारा प्रवाहित होती है, ब्राज़ील तट से होकर चलती है। और कभी पूछे कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधाराओं का जलचक्र जो पूरा करता है वो कनारी जलधारा है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो जलधाराओं का जलचक्र पूरा करता है वो कनारी जलधारा है। यह प्रश्न आप लोगों का PCS में भी पूछा है और IAS में भी पूछ चुका है। ठीक है, और किस प्रकार की ये कनारी जलधारा है, किस इसका जो स्वभाव किस प्रकार का, वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो उसे सौंपा जा सकता है, किसे सौंपा जा सकता है भैया? आप लोग अगर पता होगा तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम व्यक्ति है। ठीक है, और सबसे ऊंची पोस्ट पद जो है वो आपका भारत के राष्ट्रपति का होता है, तो उसकी सुनवाई के लिए किसे दिया जा सकता है, वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है या कोई गड़बड़ी हो गई, ठीक है, तो उसका जो सुनवाई होगा वो कहाँ होगा, सर्वोच्च न्यायालय में होगा। उच्च न्यायालय की भी यहाँ पर सिफारिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो भारत का है, केंद्र का राष्ट्रपति है, और उच्च न्यायालय जो होते हैं वो राज्य के होते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता के बारे में बात करें तो इसको बोला जाता है AGI। ठीक है, महाधिवक्ता को क्या बोला जाता है? AGI,
ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं AGI, इसको बोला जाता है ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76 के तहत यहाँ पर इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। ठीक है, एक होता है CAG, कैग, कैग को बोला जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक, हम सिर्फ आप लोगों को जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, दो शब्द होते हैं ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि उनको फुल फॉर्म भी नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है AGI और कैग में। ठीक है, महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसका अनुच्छेद कौन सा है, 148 से 151 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 148 से 151 का, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये किसका है, भाग 5 का भाग है। ठीक है, भाग 5 यानी कि संघ की चीज़ें, संघ का बात है यहाँ पर, संघ का भाग है। तो कैग को क्या बोला जाता है, कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, जिसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोला जाता है। ठीक, हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो हाईकोर्ट को तो आप राज्य के बारे में, राज्य में होते हैं। ठीक है, और संसद के बारे में तो बहुत बातें की जा चुकी हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फर्म हो गया कि राष्ट्रपति का चुनाव में अगर विवाद है या भ्रष्टाचार है या गड़बड़ी है तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी। और महाधिवक्ता जो है, जो भारत सरकार का सब जो वकील माना जाता है, ठीक है, भारत सरकार का जो सबसे बड़ा वकील है वो महाधिवक्ता है, और महाधिवक्ता को भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से वहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको बोला जाता है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महाधिवक्ता, उसको भारत का महाधिवक्ता, यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत इसका गठन किया जाता है, इसकी नियुक्ति कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंपट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, 148 से अनुच्छेद 151 तक। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रश्न आप लोगों का बड़ा हो गया, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक, तो कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया था, यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक मंडल में। ठीक है, इसे 52वां है, 61वां है, 70वां संवैधानिक संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए वैसे तो ये 70वां है, वैसे हम चारों संवैधानिक संशोधन लिख ले रहे हैं, 70वां नहीं बताएंगे। 70वां में आप लोगों को पता चल गया कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सी लोग हैं, वहाँ पर दोनों जो भारत के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, फिर राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, और दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य वहाँ पर भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। और जो राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है चुनाव। ठीक है, और कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है, फिर उसके बाद अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा भी किया जाता है। ठीक, ये इन तीन बातों का आप लोग याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो चलिए 52वां संविधान संशोधन हम देख लेते हैं। 52वां, बहुत बार बात आ चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 52वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, संवैधानिक संशोधन। ठीक, 52वां संवैधानिक संशोधन कौन सा है, ये आपका दल बदल विद्रोह, ये आपका कब का है, सन भी लिख दे रहे हैं, ये 1985 का है। ठीक है, 1985 का है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे आप लोगों का नोट्स जो है बेहतरीन तरीके से अब तैयार होता जाएगा, और जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, दोबारा आ रही हैं, वो आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा। ये आपका दल बदल विरोधक से है। ठीक है, दल बदल
दल बदल निरोधक कानून से है, ठीक है, दल बदल निरोधक कानून। ठीक, फिर उसके बाद 61वां देखिए, 61वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछा है एग्जाम्स में, आईएएस पीसीएस में बहुत पूछता है, एसएससी में भी पूछता है। 61वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1989 में, ठीक है, बहुत बार पूछा है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात किया गया था ना, महत्वपूर्ण चीज़ भी तो इसमें है, देखिए कि 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब बात करें 70वां, तो आप लोग जान गए दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभा के सब निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, ये आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में आप देखेंगे भारतीय संविधान के 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो उसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं और 8 भाषाओं को अलग अलग करके जोड़ा गया था। ठीक है, पहली भाषा को जोड़ा गया था, आप सिंधी भाषा जोड़ी गई थी उसमें। ठीक है, और दूसरे संविधान संशोधन जो हुआ था आपका उसमें दूसरी बार जब संविधान संशोधन जो जोड़ा गया उसमें वो था 71वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 भाषा जोड़ा गया था। और जो तीसरी बार संविधान संशोधन जोड़ा गया उसमें 28वीं अनुसूची में, वो 2003 के लगभग में जोड़ा गया था। ठीक है, वो आपका 92वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 2003 में, और जो सिंधी जब जोड़ा गया उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हमने बहुत बार उसको बताया है। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन ये है आपका 1992 का, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ा गया, 3 भाषाओं को जोड़ा गया, 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं थीं उसमें दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, नेपाली है और कोंकणी, ये 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ पे 4 संवैधानिक संशोधन हो गए और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, आप लोग नोट डाउन करते चलिए और चैनल से जुड़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 प्रावधान करता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक आर्टिकल का दे दिया जाएगा और इसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन सा प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद है 53 के लागू करता है। अब निर्वाचन की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, हम यहाँ यहीं आगे लिख दे रहे हैं, यह आपका कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 54। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा। ठीक है, अभी पिछले प्रश्न में हम लोग बात कर रहे थे, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये आपका अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61, और राष्ट्रपति की कार्यसंघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति नियुक्त होगी, यही आपका है अनुच्छेद 53। ठीक है, यही है आपका अनुच्छेद 53। ठीक, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 53 और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये तो अनुच्छेद 52 का है बात है, अनुच्छेद 52। ठीक, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके आर्टिकल कंप्लीट हो गए, 4 आर्टिकल आप लोगों का एक तरह से कंप्लीट हो गया, आप इस क्रम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 53, 52, 53, 54, 61। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए, जिससे आप लोगों का नोट्स बेहतरीन तरीके से तैयार होता रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, किसने किया था। ठीक है, वो महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, यहाँ पर ये जो
सामाजिक धार्मिक आंदोलन है उससे हम लोग बहुत सारे प्रश्न किए हैं, ये आप लोगों का प्रश्न उसी से चल रहा है। और पिछले श्रृंखला में 2-3 श्रृंखला में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट की जा चुकी हैं, ठीक है। और सार्वजनिक जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का भारतीय समाज में बहुत महत्व है, और इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, या तो मिलान करने के लिए देगा या तो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्ट बनते हैं कि जो आयोग है उनको प्रश्न बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक। महादेव गोविंद रानाडे ने रानाडे, ठीक, ये मिले थे आपके प्रार्थना समाज में, मिले थे प्रार्थना समाज से मिले थे। आप प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था 1869 ईस्वी में, अरे सॉरी 1869 में तो मिले थे, 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कहाँ पर? अब देखेंगे कि बम्बई वाले क्षेत्र में हुआ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। और उससे जो प्रार्थना समाज से महादेव गोविंद रानाडे जो है 1869 में जाकर मिलते हैं, और प्रार्थना समाज का जो विकास होता है महादेव गोविंद रानाडे के नेतृत्व में ही वहाँ पर होता है। और इन्होंने आप देखेंगे कि 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हमने थोड़ा सा प्रार्थना समाज के बारे में बात कर लिया, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। आप लोग बस चैनल से जुड़ते रहें, आप लोगों को सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और आप लोगों को जो चीज़ें चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए। तो पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी, ठीक है। और आप लोगों को पिछले प्रश्न से जो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, जो 2-3 प्रश्न राष्ट्रपति से देखे गए, अगर राष्ट्रपति सब पर आप लोगों को पूरा लेक्चर चाहिए तो आप वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर राष्ट्रपति पूरा कंप्लीट हो चुका है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति चल रहे हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का जो सेक्शन है वो चल रहा है, और राष्ट्रपति पूरा कंप्लीट है, उसमें निर्वाचन से लेकर हर एक चीज़ कंप्लीट है। राष्ट्रपति की शक्तियों के में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, वहाँ पर सतीश सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कराया। आप लोग वहाँ पर जाइए, आनंद लीजिए और नोट्स बनाइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें आत्माराम पांडुरंग की, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना किया था प्रार्थना समाज के, प्रार्थना समाज की। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1867 ईस्वी में, 1867 में इसकी हुआ था। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे से जुड़े थे, और 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की इन्होंने स्थापना किया। फिर स्वामी जी के बारे में बात करें, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद इन्होंने किया था रामकृष्ण मिशन की, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे, रामकृष्ण मिशन के। और आप देखेंगे, और इसकी स्थापना हुआ था 1897 ईस्वी में, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुआ था, और स्वामी विवेकानंद जो है 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, जहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। फिर उसके बाद भी बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस प्रकार से आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज, ठीक है, और आर्य समाज ने जिस प्रकार से शुद्धि आंदोलन लेकर चला, ठीक है, आर्य समाज जिस प्रकार से शुद्धि आंदोलन किया था भारतीय समाज में, वो शुद्धि आंदोलन बहुत ही खतरनाक तरीके से भारतीय समाज में सांप्रदायिकता को विकास किया था, ठीक है। इस प्रकार इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत का जो बंटवारा है उसमें सांप्रदायिकता का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूमिका है। और जो सांप्रदायिकता की सबसे जो प्रारंभिक कड़ी स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है सांप्रदायिकता की, और वहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होता है, यही शुद्धि आंदोलन जब भारतीय समाज में किया गया, वही शुद्धि आंदोलन को जब जो हिंदू से परिवर्तित मुसलमान थे उनको
पुनः मुसलमानों से परिवर्तन करके हिंदू में लाना चाहा गया उसको शुद्धि आंदोलन के जरिए, तो वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलती थी वो बहुत ही ज़्यादा भारतीय समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दी थी। ठीक है, और वो आप इस तरह से सोचिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस आर्य समाज की स्थापना किया और आर्य समाज ने जो प्राचीन जो वेदों की परंपराएं हैं उनको भारतीय समाज में शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयत्न किया था। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और वेद ही भारत के आधार स्तंभ हैं, इस प्रकार की बातें इन्होंने किया है। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इतनी सारी बातें हमने आपको बताई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हमने बताया आपका आर्य समाज का और भारत में सांप्रदायिकता के जो बीज बोया गया, बढ़ावा दिया गया उसके बारे में। तो इस तरह से चीज़ें जो भारत में घटित हुई हैं उसको आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में जो मानविकी के सब्जेक्ट हैं वो थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें आप कोई भी पक्ष को लेकर पूर्ण तरह से वहाँ पर बल नहीं दे सकते, उसको थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर आप तर्कवाद पर रहिए, आलोचना पर रहिए। ठीक है, वहाँ पर अपने विचार अनुमान लगाइए किस प्रकार की चीज़ें घटित हो रही थी। ठीक है, क्योंकि समाज है ना, समाज हमेशा परिवर्तनशील है। महात्मा बुद्ध ने तो कहा ही है कि समाज क्षणिक परिवर्तन है। तो जो समाज में सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले उस पर आप लोग ध्यान दीजिए और अपने जो चीज़ें हैं उसको पढ़ने का, सोचने का, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, और वहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, क्योंकि किसी की निंदा करना बहुत ही गलत बात है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग अपने जगह पर सही होते हैं, वो अपने चीज़ें जो लेकर चलते हैं वो अपने विवेक के अनुसार या अपने सोच विचार के अनुसार वो चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, मैं भी आप लोगों को एक अनुमान के आधार पर ही बताया, जितना हम लोग मैंने जितना पढ़ा है, अध्ययन किया है, जितना स्व अध्ययन किया है या टीचरों को पढ़ा है, बहुत सारे हम लोगों ने प्रोफेसरों से भी पढ़ा है। ठीक है, टीचर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में जो सबसे बड़े टीचर अगर माने जाते हैं अगर वर्तमान समय में, तो उनको सब कोई मानता है। जैसे कि मान चलिए अगर हम बात करें तो विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, जो दृष्टि IAS के फाउंडर हैं, वो भारत के इस वर्तमान समय में बहुत ही बड़े टीचर हैं, सबसे महत्वपूर्ण टीचर हैं। और अगर उनको आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो तो मान चलिए कि जो विकास देवकीर्ति सर हैं वो तो सबके प्रेरणा स्रोत हैं इस तरह से। तो वो सारी चीज़ें आप देखिए कि आप लोग पढ़ने में, सोचने समझने में अपने को थोड़ा डेवलप करिए। ठीक है, निंदा करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, द्वेष उत्पन्न करना, ये कभी भी किसी इंसान के लिए सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों का अगला प्रश्न है, भारत में राधा स्वामी सत्संग। ठीक है, भारत में राधा स्वामी सत्संग आंदोलन हुआ था। ठीक है, स्थान के नाम पूछ रहा है, बम्बई में हुआ था, कलकत्ता में, आगरा में या मद्रास में। ठीक है, यह स्वामी सत्संग हुआ था आपका आगरा में हुआ था, क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि ये आपका ब्रज वाले क्षेत्र में हुआ होगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत किया गया था 1861 ईस्वी में। ठीक है, 1861 ईस्वी में इसके जो फाउंडर हैं, ठीक है, यह हुआ था आपका आगरा में हुआ था, तो यानी कि आप मान के चलिए कि ये उत्तर प्रदेश, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के शहर में हुआ था, आगरा में। ठीक है, तो जो इसके फाउंडर हैं इनको नाम था शिवदयाल साहब। ठीक है, इनका नाम था शिव दयाल साहब, इनको बोला जाता था स्वामी जी महाराज। इनका एक नाम और था, इनको अगर स्वामी जी महाराज दे दे, स्वामी जी महाराज। ठीक है, ये भी, और एक नाम और है इनका, ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे जो भारतीय आंदोलन हुआ था, ये तुलसी राम के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तुलसी राम के नाम से, तुलसी राम के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तुलसी नाम राम के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर तुलसी राम के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे और आगरा शहर में हुआ था ये राधा स्वामी सत्संग, ये PCS में प्रश्न पूछा था। ठीक है,
और सीजीएल में भी पूछ चुका है, एसएससी सीजीएल में भी यह प्रश्न पूछ चुका है कि राधा स्वामी सत्संग जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता था, आगरा जिले में होता था, और कब हुआ, 1861 ईस्वी में हुआ, और कौन थे, श्री दया साहब स्वामी जी महाराज इनको बोला जाता था, और इनका जो तुलसी राम के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों का नोट डाउन करिए और जो बातें बताई जाती हैं उसको ध्यान सुनिए और अमल करिए उस पर, ठीक है, जिससे आप लोगों की चीज़ें जो है बेहतरीन तरीके से चल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में शारदा अधिनियम संबंधित था, शारदा अधिनियम विधवा पुनर्विवाह से प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं को स्थापित करने से, ठीक है, इसको तो हटा दीजिए, इसको प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं में सुधार करने के लिए भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं। ठीक है, प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं को स्थापित करने से कोई भी सामाजिक सुधार आंदोलन नहीं हुए, सिर्फ एक आर्य समाज के बारे में पिछले प्रश्न में बात किया था कि आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाने का प्रयास किया था, लेकिन वह शुद्ध वैदिक धर्म को स्थापित करने का प्रारंभ प्रयास किया जो आपका वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल से, ठीक है, जहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी देखने को मिलती है, जो जो जाति और कर्म पर आधारित थी। ठीक है, तो उस प्रकार की जो धारणाएँ हैं जो वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही थी उसको स्थापित करने का प्रयास आर्य समाज ने किया था। ठीक है, और रूढ़िवादी परंपराओं को सुधार करने के लिए भारत में सभी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं। ठीक है, निम्न जातीय आंदोलन से अगर हम बात करें तो बहुत सारे आंदोलन हैं जिसमें भीमराव अम्बेडकर के प्रयास हैं, महात्मा गांधी के प्रयास हैं, ज्योतिबा फुले का प्रयास हैं, फिर आप नारायण गुरु के प्रयास हैं, राधा स्वामी सत्संग का जो वो तो आप लोगों का छोड़िए, वो आप लोगों का ऊँची जो वहाँ से संबंधित है, वहाँ पर निम्न जाति आंदोलन नहीं है वो, ठीक है, वो धार्मिक आंदोलन से संबंधित है। और जो साउथ में जो है वो लोग जो हैं वहाँ पर चीज़ें देखने को जो मिलती थी वो भी आपका निम्न जाति आंदोलन से संबंधित थी। ठीक है, तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये आपका कब का है, 1856 का है। ठीक है, 1856 का है। ठीक है, और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था लगभग में लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे और ये यही अधिनियम आया जुलाई 1856 में का लगभग है। ठीक है, जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि राजा राम मोहन राय, अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक को राजा राम मोहन राय नहीं मिले होते बंगाल में तो वहाँ पर सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में नहीं हो पाया होता। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किया था सती प्रथा बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो जुलाई 1856 में आया था जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से संपन्न हुआ था, पारित किया गया था, और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड डलहौजी हैं। तो बाल विवाह अधिनियम जो है 1800 ये आपका 1929 से संबंधित है, शारदा अधिनियम शायद लगभग में, और इसमें क्या कहा गया था, इसमें भी जो आयु निर्धारित की गई थी 14-18 वर्ष की गई थी, लड़की का 14 वर्ष और जो लड़के का वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी शारदा अधिनियम में भी, और यह अधिनियम जो है 1929 का है। ठीक है, और अगर कुछ इधर उधर हो रहा है तो आप लोग उसको एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा कि 1929 का है। और जो शारदा नाम है, जो शारदा इनका पूरा नाम थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जानिए कि शारदा अधिनियम जो है वो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। ठीक है, और ये कहाँ पर थे ये, और जो 1929 में जो भारत के गवर्नर जनरल है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन है, देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा कहीं इधर उधर भी हो रहा है प्रश्न में बोलने वोलने में तो आप लोग उसको थोड़ा सा नोटिस कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए तो उसको सही कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब दिमाग में चलने लगती हैं तो वहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। ठीक है, आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था, कौन सा मुख्यालय, थियोसोफिकल सोसाइटी। सबसे पहली बात कि थियोसोफिकल सोसाइटी कहाँ पर बनी थी और उसका कार्य क्या था। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी, और ये एक धार्मिक संस्था थी। आप इस तरह से मान के चलिए कि धार्मिक सुधार से संबंधित थे, इन्होंने भारत में जो प्राचीन धर्म था हिंदू धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, जो इसकी स्थापना हुआ था आप यहाँ पर इस तरह से डैश देकर यहाँ से आप लोग लिख लीजिए स्थापना। ठीक है, स्थापना हुआ था यहाँ पर हम इस तरह से लिख रहे 1875 ईस्वी में हुआ था,
ठीक है, किसने किया था? 1875 ईस्वी, और कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएसए में। ठीक, ये हो गया। और संस्थापक कौन कौन लोग हैं? संस्थापक, संस्थापक नाम लिख लीजिए, मैडम एच पी ब्लावाटस। क्या नाम है इसका? ब्लावाटस्की, ब्लावाटस्की। ठीक है, मैडम एच पी ब्लावाटस्की। ठीक है, ब्लावाटस्की। ठीक है, इस तरह से ब्लावाटस्की लिख लीजिए, मैडम टच, मैडम एच पी ब्लावाटस्की। और कर्नल अलकॉट, ठीक है, कर्नल अलकॉट जो हैं ये अभी अमेरिका के नेवी आर्मी में थे, अमेरिका आर्मी के कर्नल थे। ठीक है, और मैडम एच पी ब्लावाटस्की जो हैं ये आपके रूस में थी, रूस में कार्यरत थी, कर्नल अलकॉट। ठीक है, अलकॉट। और एक लोग और हैं इसमें, विलियम क्वान जज। ठीक है, विलियम क्वान जज। ठीक है, और इन सभी लोगों का आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नाम लिख लीजिए, जिससे आप लोगों को चीज़ें याद रखने में मदद मिलेंगी। और अगर इसके भारत में अगर हम बात करें, भारत में, भारत में इसकी संस्था कहाँ थी? भारत में, ठीक है, ये थी आपका अडयार में। ठीक है, अडयार, अडयार कहाँ पड़ता है? मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से लिख लीजिए। और कब बनाई गई थी अडयार में? 1882 ईस्वी में। ठीक है, 1882 ईस्वी में इन्होंने भारत में प्राचीन धर्म का, जो हिंदू धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, एकजुट करने का प्रयास किया। और थियोसोफिकल सोसाइटी से आप देखेंगे कि शायद शायद, ठीक है, कि एनी बेसेंट भी आकर जुड़ी थी। ठीक है, इसलिए हमने शायद किया, शायद लगाया कि आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था इस श्रृंखला का। ठीक, आप लोग नोट डाउन, नोट्स बनाते रहिए और नोट डाउन करिए इन सभी चीज़ों को, जो आप लोगों के नोट्स को एक बेहतरीन प्रदान, बेहतरीन प्रदान करेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन करिए, और आप देखेंगे कि इसमें के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी व्याख्या आप लोगों को बताए जाते हैं, वो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछने को मिलेगा। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, नहीं तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। नोट्स बना रहे हैं तो उसको भी सही तरीके से बनाइए, जिस तरह से नोट्स बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप उसमें किताब ही लिख देंगे पूरा, तो वो नोट्स नोट्स कहाँ पर रहेगा, किताब ही तो हो जाएगा फिर वो। ठीक है, तो उससे अच्छा किताब लिखने से अच्छा है कि आप लोग उसको किताब पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह श्रृंखला पसंद आती होगी। और आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए, और जो लोग पुराने हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएँगे। ठीक है, आने वाले समय में। ठीक, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखी गई हैं कि बहुत सारी चीज़ें करना है। ठीक है, तो आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे तो हम लोग मोटिवेट होंगे थोड़ा, तो आप लोग के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता घर वालों का और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली श्रृंखला में। ठीक, तो धन्यवाद।